आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बात करूंगा कि आपको एक दिन के अंदर कितने प्रपोजल सेंड करने चाहिए, कितने जॉब से अप्लाई करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं बात करूंगा कि आपको एक दिन के अंदर कितने प्रपोजल सेंड करने चाहिए, कितने जॉब से अप्लाई करना चाहिए। तो बेसिकली इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, आप जितनी चाहें उतनी जॉब से अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि एटलीस्ट 5 से 7 जॉब्स पे आपको डेली अप्लाई करना चाहिए, तभी आपको अपवर्क एल्गोरिदम कंसिडर करेगा कि ही इज डूइंग कॉन्स्टेंट वर्क, और तभी आपको एक अच्छी जॉब्स विद इन मंथ मिल पाएगी। तो आपने कॉन्स्टेंट रहना, एक दिन का भी गैप नहीं लेना बीच में। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा कि हमने एक अच्छे तरीके से 5 से 7 जॉब्स पे अप्लाई लाजमी मस्ट और मस्ट करना है। अदरवाइज क्या होगा कि हमने आज अप्लाई किया, 4 दिन बाद फिर अप्लाई किया, 10 दिन बाद फिर अप्लाई किया, तो वो एक कॉन्टीन्यूटी नहीं रहती। और जिन क्लाइंट्स को हम अप्रोच कर रहे हैं, हमारा वो जो है डेडिकेशन और मोटिवेशन नहीं रहती। तो आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंटली अप्लाई करना है। अब ऑब्वियसली बात है, डेली के 7 क्लाइंट्स को आप अप्रोच कर रहे हैं, अगर मंथ के अंदर आप मतलब अगर 7 को मल्टीप्लाई करें 30 से, तो मुझे मैथ नहीं आता तो मुझे नहीं पता कितना बनेगा, लेकिन काफ़ी सारे क्लाइंट्स को आप अप्रोच कर रहे होंगे। जब अप्रोच कर रहे होंगे इतने सारे क्लाइंट्स को एक मंथ के अंदर, अगर आपको 3 से 4 प्रोजेक्ट्स भी मंथ में मिल जाए तो दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, आप उनसे आराम से $2,000-3,000 अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको रहना कॉन्स्टेंट है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपने अप्लाई करते हुए, और अच्छे तरीके से बिल्कुल डेडिकेशन और फोकस होके। अब मेरा मानना ये है, आई डोंट नो इट्स अ मिथ, बट मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि जब भी मैं माइंड बना के बैठता हूँ कि मुझे आज जॉब लेनी है, तो उस दिन मुझे जॉब आती है। तो दैट्स द सेम यू कैन डू। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।